पर्वतों की शाहजादियाँ। वालेकुम जी, सारे नए ठीक हो, सारे उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, राज्यों के मौज में होंगे, बढ़िया सेफ अपने अपने घरों में होंगे और अल्लाह की रहमत में होंगे। मैं हूं नासिर शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोचा जालमा। आज मैं जा रहा हूं कोह सुलेमान बर्थी की तरफ। तो सर्दी इतनी नहीं है, नॉर्मल है, हवा चल रही है, थोड़ी रात से हवा शुरू हो गई है। तो आइए व्लॉग का आगाज करते हैं और देखते रहिए कि हमारा सफर कैसे। पुल के ऊपर यहाँ से बार्थी का सफर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सफर है। तो मुझी हमारे साथ रहिएगा। टौंसा से बाई मोड़ का सफर 1 किलोमीटर का है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खराब है। बंदा जा किसी और साइड पे रहा है, टायर किसी और साइड पे मुड़ जाता है। सोकड़ 4 किलोमीटर का फासला है और बगलौनी 7 किलोमीटर का फासला। पहुंच चुका हूं बस्ती सोकड़ में। बस्ती सोकड़ में मलगानी कबीला आबाद है। हमारे इलाके का ये वाहिद इलाका है सोकड़। इनमें आपस में इत्तेफाक बहुत है, जब भी लड़ते हैं तो सब एक ही जगह पे इकट्ठे टूट पड़ते हैं, उसका सही तनिया निकाल के रख देते हैं। ये क्रॉस करके अभी मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं मेन भारती रोड पे। यहां से मैं आगे गुजर के जा रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग शहरी मिला, उसने आगे थोड़ा सा आगे जाना है, मैंने इसको लेफ्ट दिया, अभी इसको लेके जा रहा हूं। तकरीबन यहां से मेरे ख्याल में 1 घंटा लगेगा भारती तक पहुंचने के लिए। मजीद हमारा सफर जारी है। तहसील कोह सुलेमान जो कि पहाड़ी इलाका है, तहसील टौंसा का एरिया खत्म हो चुका है, तहसील कोह सुलेमान जो इलाका गैर कहलाता है, तहसील कोह सुलेमान में मैं दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ से बार्थी का सफर तकरीबन 40 मिनट।
कोह सुलेमान में जब आप दाखिल हो जाएंगे, जो सबसे पहले बस्ती आपको नजर आएगी, जो तहसील कोह सुलेमान की सबसे पहली बस्ती है, वो यही बस्ती सलारी है। पहुंच चुका हूं वादी जैन में। ये खूबसूरत वादियां आप देख लें तो आपको एक गाना याद आएगा, ये वादियां ये पर चुका हूँ खर टक के ऊपर। बलोची में खर कहते हैं गद्दे को, टक कहते हैं पहाड़ी को, यानी कि ये गद्दे की पहाड़ी है। पता नहीं इसको गद्दे की पहाड़ी क्यों कहते हैं, लेकिन ये खर टक के नाम से मशहूर है। यहाँ से बारती ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट का सफर रह गया। इस वक्त पहुंच चुका हूं संगड़ लाड भारती पे। यहाँ पुल का काम तेजी से जारी है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, अभी भी ये आप देख लें काम। तकरीबन उम्मीद यही है कि रमजान से पहले पहले या रमजान तक ये काम फाइनल हो जाएगा। जब ये काम फाइनल होगा तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत से मुश्किलात हैं वो हल हो जाएगी। डेढ़ से दो घंटे के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं सरदार कलात बारथी में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ये है मेरा घर कोह सुलेमान तमुन बुजदार बारथी का।